नमस्कार दोस्तों, सिक्की टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं मीठापुर बस स्टैंड में हूं और मैं बता दूं कि मीठापुर बस स्टैंड का पिछले 1 तारीख से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है बैरिया बस स्टैंड में। अब ये मीठापुर बस स्टैंड नहीं रहा, इसको बंद कर दिया गया है। अब ये बैरिया बस स्टैंड चला गया है। यहाँ देखिए वीरान पड़ा हुआ है, एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं दिखेगी, एक भी बस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और जहाँ रही ऑटो की सवाल, तो ऑटो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। पहले जब आप अगर आप आते होंगे तो ये सब जगह जो आपको दिख रहा है इसमें आपको बसों से भरा पड़ा मिलता होगा। पूरे जितने जगह दिख रहे होंगे आपको, पूरे में बस भरे रहे होंगे। ये सब जो आपको बस दिख रहे हैं ये सब खराब बस है, ये सब चलने के लायक नहीं है। और इधर पूरा बस भरा रहता था, ये सब पूरा बस स्टैंड खचाखच भरा रहता था। लेकिन आज यहाँ पर सुनसान है, वीरान है, यहाँ की जो भी व्यवस्था था वो सब चला गया है बैरिया बस स्टैंड में। यहाँ पर सुधा पार्लर है, आइए सुधा पार्लर से भी जो इसके संचालक हैं इनसे भी आपको बातचीत कराते हैं। क्या है भैया, कैसा चल रहा है? इधर चल रहा है, समूचे गरीब के मार दिया नीति। आइए इधर आइए। आज 31 जुलाई से सारा स्टैंड सब गाड़ी जबरदस्ती करके प्रशासन लेकर चला गया। क्यों? इसलिए कहूँ जी कि स्टैंड पूरा बना भी नहीं और जबरदस्ती करके रोक के बाईपास पर प्रशासन बस वाला को धमकी देके कि इतना फाइन करेंगे नहीं ले जाएगा, तो वहाँ बना भी नहीं और जबरदस्ती लेकर चल गया। देखिएगा कि 0 माइल से लेकर तराही मान होल है पैसेंजर का, न खाना न पीना न होटल न व्यवस्था, लूटपाट हो रहा है पूरा दुकानदार के साथ है जबरदस्ती। देखिए लूटपाट भी चालू है। चालू है, जैसे दुकानदार के पॉकेट से खींच लेना, हाँ, गुटका खींच लेना, हाँ, मतलब इस तरह का रंगदारी वहाँ का स्थानीय लोग कर रहा है। आपका क्या व्यवस्था, आपका दुकान चल रहा है बढ़िया? नहीं नहीं, अब तो दुकान चल, अब तो पलायन के तैयारी में हम लोग खुदे हैं, एकदम पूरा स्थिति खराब है। हाँ ये तो है, जितना दिन सामान तो अपन सुरक्षा के ख्याल से बैठे रहते हैं। अब दम वीरान पड़ा हुआ, वीरान पड़ा हुआ है। जैसे ये कह रहे हैं कि वह जो बस स्टैंड में जो दुकान बनाया या मॉल सिनेमा हॉल क्या क्या बन रहा है, जो 10 मंजिला के लगभग में है, और उसमें नहीं लगता है कि गरीब गुरबा को वहाँ मिलने वाला जगह है। जो भी है, जो रोड पर ठेला वाला, वह ठेला वाला डेली भाई जो बेचारा मार खाता है उससे छीन लिया जाता है, रजनीगंधा दो तो सिगरेट दो फ्री में, और उसमें भी प्रक्रिया बताता है, कोई कोई कहता है कि 3 लाख लगेगा उसको में एडवांस, 20,000 दुकान, तो ऐसा लगता है कि गरीब गुरबा को तो हाँ दुकान होगा। वो का करेगा कि मंत्री विधायक का करेगा कि अपने से बांट लेगा अंदरे अंदरे और पेपर में वो बयान दे देगा, विज्ञापन निकाल देगा कि जो दुकान आवंटन हो रहा है, वहाँ जाइएगा तो सीधा होगा कि दुकान आवंटन हो गया, जैसे सुनने में आता है। और ये भी सच है कौन जी कि वहाँ कमज़ोर तबका के जहाँ 3 लाख के ज़रूरी पड़ेगा एडवांस देने के लिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ दे सकता है यहाँ का दुकानदार जो फुटपाथ पर खोले हुए था ढड्ढी लगा के घेरा लगा के वैसा आलिशान मकान में, जबकि वहाँ किनारे किनारे दुकान बनाना चाहिए था, छोटा छोटा दुकान बनाना चाहिए गरीब गुरबा उसमें, जैसे पटना में बना रहा है वेंडिंग जोन उसी तरह से बनाना चाहिए था वहाँ स्टैंड में, लेकिन वो तो VIP ऐसा मॉडल बना दिया है कि नई उम्मीद है कि गरीब वहाँ बस पाएगा। और सामंतवादी का वहाँ भी धाक चल रहा है और बेरोजगार है जो समूचे रोड पर मार खा रहा है, अंदर जाने दुकानदार किसी को नहीं दे रहा है, ठेला वाला को कहा भाई तक ये अभी बन रहा है, अब बनने में भी 2 साल लगेगा, उसके पहले बनने के पहले ही 2 साल अभी बनने में लगता, तब तक के स्टैंड को यहाँ रहना चाहिए था लेकिन ज़बरदस्ती करके हटा दिया गया। तो देखिए ये सुधा वाला भाई सब थे, इनका पहले सुधा यहाँ पर लाइन में आपको खड़े रह करके सामान लेना पड़ता था, है ना, एक समय था। तो यहाँ से अब बस स्टैंड जो है बदल चुका है, भैया बता रहे 31 जुलाई, लेकिन 1 तारीख से पूरे ऐलान हो गया है कि यहाँ पर से अब बस स्टैंड जो है बैरिया बस स्टैंड चल जाएगी। और यहाँ पर हमारे साथ चाचा हैं, चाचा भी यहाँ पर बेचते हैं, क्या बेचते हैं आप? पानी बेचते हैं, हाँ, ठंडा उंडा बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं। क्या है, कैसा चल रहा है? हम लोग के पेट पर आफत है। तब क्या कीजिएगा, पेट पर आफत है तो मर जाइएगा भूखे, तो क्या करेंगे, तो ऐसा समय आवे है कि ना हो, सरकार जैसे रख रहा है वैसे रह रहे हैं। तब यहाँ पर अब दुकान बंद करना है? हाँ बंद कर देंगे, चल नहीं रहा तो क्या कीजिएगा, हाँ बंद कर देंगे, बंद ना होगा। तब बैरिया चला गया तो वहाँ पर खोल लीजिए, तो वहाँ पर पैसा रहेगा तब ना जाएंगे, वहाँ पर वहाँ तो पैसा लगेगा ना, सरकार हमको इस जगह दे
तब देखिए ये हालत है इन लोगों को, इनका दुकान एक समय था यहाँ पर खड़े रहने के लिए आपको लाइन में कतार में खड़े होकर के सामान लेना पड़ता था, पानी लेना पड़ता था, दुकान खाली है, हर चीज खाली हो गया, सब चीज आज पूरा सुनसान है, वीरान है, सब परिस्थिति के अनुसार बदल चुका है। यहाँ का जो बस स्टैंड है अब बैरिया चला गया है, और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम यहीं के हैं। यहीं के हैं, क्या कहना है आपको इस बस स्टैंड के बारे में? बस स्टैंड यहाँ पर था तो ज़्यादा बेटर था, वहाँ पर जाने का मतलब है समय पैसा दोनों लग रहा है अधिक, और जाम वगैरह अलग से लग रहा है। और भी यहाँ पर चाचा लोग हैं, बताइए जी क्या कहना है बस स्टैंड के बारे में? अरे हम लोग ऑटो चलाते हैं भैया, क्या कहेंगे, हम लोग को भी सवारी वारी ढंग से नहीं हो पाता है। तो बैरिया से तो मिल रहे हो आप, तो और अच्छा खासा इनकम होता होगा? नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना ना जाम लगा रहता है कि कुछ इनकम नहीं होता है। हाँ जाम बहुत रहता है, कोई ऑटो वाला से पूछ लीजिए, बहुत जाम रहता है, पहले वाला कोई बात नहीं। यहाँ कितना भाड़ा है यहाँ सब रेलवे स्टेशन से बैरिया बस स्टेशन का, कितना भाड़ा आपको? 40 रुपया भाड़ा है। 40 रुपया, 40 रुपया जाने का, 40 रुपया आने का। हाँ तो देखिए ये स्टेशन जो है पटना जंक्शन से बैरिया बस स्टैंड काफ़ी दूर भी पड़ जाता है। पहले जहां लोग 7 रुपये में स्टेशन जाते थे, वही अब 40 रुपये में जाते हैं। तो ऐसा स्थिति आ पड़ा है आम जनता लोग के लिए, तो और भी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, और दिक्कत हो गया है। एक घंटा जाने में भी लगेगा, जिसको जल्दी जाना होगा उसको और पहले निकलना पड़ेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, आपको क्या कहना है इस बस स्टैंड यहाँ से तब्दील हो चुका है बैरिया बस स्टैंड? देखिए सरकार, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर दुकान था, हम भी दुकानदारे हैं, समझ गया। आप क्या बेचते थे? हमारा परचून की दुकान था। क्या? परचून की दुकान था। परचून, हाँ। तो हम लोग जैसे यहाँ दुकान करते थे, तो बाल बच्चा अपना जो भी था कमाते थे, खाते थे, बाल बच्चा को ट्यूशन पढ़ाते थे, पढ़ाई लिखाई। लेकिन यहाँ से चल जाने के कारण हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब कहने लायक नहीं रहा, समझे। पहली बात, दूसरी बात कि सरकार मैंने हम लोग पर कहीं कुछ ध्यान नहीं देता है। क्या ध्यान दिया कभी कोई देखे सरकार को? हम लोग वही समय नजर आते हैं। तो वहाँ भी तो दुकान खोल सकते हैं सर, वहाँ व्यवस्था सरकार नहीं दे रहा है। वहाँ तो सुनते हैं कि सरकार 4 लाख 5 लाख 10 लाख वहाँ लोन मांगता है, गरीब मांगता है। मैंने हम लोग इस जैसे जानकारी में हुआ कि जो दुकान बना हुआ है तो वहाँ के लोग से लोग हम लोग बात किए तो कहता है कि यहाँ 5 लाख 10 लाख पगड़ी आपको लगेगा। अभी जैसे अभी 10 मिनट की बात है कि एक लड़का आया, उससे पूछे कि तू वहाँ दुकान लगा रहा है, तो कहे इसकी भैया हमने लगा नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग हुआ है कि 10 लाख पगड़ी मांग रहा था, 25,000 का महीना मांग रहा है। तब उतना हम लोग के पास तो है नहीं कि हम लोग देंगे, सरकार हम लोग कुछ कर नहीं रहा है, हम लोग कोई अथी करेंगे। तो अब जो स्थिति रहेगा उस स्थिति के अनुसार हम चलेंगे। जैसे मगर सरकार चाहे कि मर गया मर जाए, तो मरना ही ना है, पेट भरेगा नहीं तो आखिर भूखे मरेगा ना आदमी। देखिए इनका ये हालत है, और यहाँ से बस स्टेशन। आप लोग ऑटो चलाते हैं? नहीं, हम एक ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं? कैसा ठेला? वो मंचूरियन ये सब लिट्टा लिट्टी बोला बेचते हैं। लिट्टा लिट्टी बेचते हैं, तभी बोले ठेला चलाते हैं। तो ठेला वह ना हुआ जी। अच्छा, ठेला पर लिट्टी बेचते हैं। बस स्टैंड यहाँ से चल गया बैरिया, इसके बारे में क्या कहना है? क्या कहना है, बाजार उजार नहीं है, बैरिया में ठेला लगेगा। बैरिया ने अभी है ये, वहाँ जाम पूरा लग रहा है। आप क्या करते हैं? अरे हम लोग दुकानें हैं, ठेले पर छोला वोटा बेचते हैं। तब बैरिया में छोला खोलिएगा? वहाँ तो खोली ना, वो तो रंगदारी इतना ना हो रहा है, यहाँ पब्लिक के जाने में दिक्कत हो रहा है। आइए, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। कितना भाड़ा है यहाँ से बैरिया बस स्टैंड? 20 रुपया। 20 रुपया कहाँ गए जी? अभी बोल रहे 40 रुपया, कौन गए? अच्छा, स्टेशन से कितना भाड़ा है? स्टेशन से 30 रुपया जैसे जनरली भाड़ा, लेकिन जाम इतना लग रहा है कि बहुत ही स्थिति भाड़ा बढ़ा दिया है ना, बहुत ज़्यादा, 2-2 घंटा लगता है जाम में, तो कोई बढ़ा के ले रहा है। जाम रहेगा तो 40 रुपया कर दीजिएगा, ऐसे 30 रुपया भाड़ा है? नहीं, ऐसे 30 रुपया जनरली भाड़ा वहाँ देख लीजिए आप लोग, पब्लिक लोग जितना देख रहा है आप लोग का, ठीक है ना? नहीं, 30 रुपया भाड़ा, 30 रुपया भाड़ा। और आप क्या, आप झोला उला क्या, आप क्या करते हैं? हाँ भाई, दुकान है, दुकान क्या चीज़ का दुकान है? किराना दुकान है। किराना दुकान है, कहाँ पर? रामकृष्ण नगर में। अच्छा अच्छा, चलिए आप दुकान चलाते हैं। ये बस स्टैंड यहाँ से चल गया बैरिया, इसके बारे में क्या कहना है? ये तरह से साइड चल गए तो बहुत अच्छा वाली बात है कि प्रदूषण कम गया है। प्रदूषण कम गया है और यहाँ का जो भी गैदरिंग था वो खत्म हो चुका है। हाँ, इससे बहुत अच्छा बात है। प्रदूषण इनका कम है। नहीं, सही बोल रहे हैं, इनका बात लोग के लिए प्रदूषण कम गया है। तब आप लोग अब दुकान खोलेंगे बैरिया स्टैंड में, है ना? कैसे बात? क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं सर। यही आपका गाड़ी है? जी जी।
कितना भाड़ा लेते हैं वहाँ से स्टेशन से? हम जीरो माइल से चलते हैं राजा बाजार बेली रोड सर। हाँ कितना भाड़ा लेते हैं? शेयर एक आदमी का 50 रुपया भाड़ा लेते हैं। अच्छा रिजर्व में जाते हैं तो 250 रुपया राजा बाजार चाहे एयरपोर्ट चाहे बेली रोड जहाँ जाए। आप एरिया बस स्टेशन जाना यहाँ से 150 बस रिजर्व में? जी 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 ऐसे किराया शेयरिंग में 20 रुपया तो ये सब भाड़ा उड़ा के भी बात कर लिए हम। देखिए इतना किराया है, आप देख रहे थे सिक्के टीवी इंडिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।